नमस्कार, स्वागत है आप सभी का मेरे इस YouTube चैनल में। मैं रितेश कुमार। तो चलिए, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ, ICDS की तरफ से एक लेटर जारी हुआ था, यानी कि 25/5/2021 को ये लेटर जारी हुआ था और इस लेटर का संचिका संख्या है 2764। तो इस लेटर में क्या क्या निर्देश दिए गए हैं, चलिए आगे के वीडियो में हम लोग देख लेते हैं। तो ये लेटर सहायक निदेशक ICDS निदेशालय बिहार पटना की तरफ से ये लेटर जारी हुआ है, सेवा में सभी जिला प्रोग्राम पदाधिकारी बिहार। तो ये पूरे बिहार के लिए ये लेटर जारी हुआ है और लेटर का विषय है पोषण अभियान अंतर्गत पोषण ट्रैकर एप्लीकेशन पर 100% लाभार्थियों को जोड़ने के संबंध में। तो जी हाँ, इसमें साफ साफ लिख दिया गया है पोषण अभियान अंतर्गत पोषण ट्रैकर एप्लीकेशन पर 100% लाभार्थियों को जोड़ने के संबंध में इस लेटर को फिर से जारी किया गया है। और एक लेटर पहले भी जारी किया गया था जिसको मैं दिखाऊंगा प्रसंग में, कि निदेशालय का पत्रांक 2663 का एक और लेटर जारी हुआ था, उसमें भी मैंने वीडियो बना के बता दिया था कि 30 अप्रैल तक ही आपको पोषण ट्रैकर एप्लीकेशन में आप लोगों को एंट्री करना है। सकते हैं यहाँ पर 28/4/2021 को ये लेटर जारी हुआ था, वो भी लेटर मैं आपको दिखाऊंगा। तो चलिए आगे लेटर में हम लोग देख लेते हैं कि इसमें निर्देश दिए गए हैं। तो महाशय, उपयुक्त विषयक प्रासंगिक पत्र के संबंध में सूचित करना है कि पोषण अभियान अंतर्गत पोषण ट्रैकर एप्लीकेशन पर 100% लाभार्थियों को जोड़ने के लिए निर्देशित किया गया था, परंतु कुछ जिलों का प्रदर्शन अभी भी अत्यंत असंतोषजनक है। आप अवगत हैं कि भारत सरकार से प्राप्त निर्देश के आलोक में दिनांक 30 मई 2021 तक सभी सेविकाओं के द्वारा लाभार्थियों को पोषण ट्रैकर में जोड़ा जाना अनिवार्य है, परंतु इसकी प्रगति संतोषजनक नहीं है। सुलभ प्रसंग हेतु 70% से कम लाभार्थियों को जोड़ने वाली परियोजना की विवरणी संलग्न है। अतः निर्देशानुसार अनुरोध है कि दिए गए दिशा निर्देश के आलोक में दिनांक 30 मई 2021 तक पोषण ट्रैकर एप्लीकेशन पर 100% लाभार्थियों को जोड़ना सुनिश्चित करें। तो यहाँ पे मैं बता दूँ कि अभी तक जितने भी सेविकाएँ हैं, अभी तक पूरा 100% सभी लाभार्थियों को नहीं जोड़ी हैं, और मैं आपको ये भी बताऊँगा कि कितने लाभार्थियों को जोड़ना है। तो चलिए मैं आपको दूसरा लेटर भी आपको दिखा देता हूँ, और उससे पहले देख सकते हैं यहाँ पर दिनांक 30 मई 2021 तक लास्ट डेट रखा गया है। इस डेट तक आपको पूरा 100% लाभुकों को जोड़ लेना है, और देख सकते हैं जिन भी सेविका का 70% से कम एंट्री हुआ है, उनके परियोजना की विवरणी उनको ऑफिस में भेज दिया गया है। तो चलिए मैं वो लेटर भी आपको दिखा दे रहा हूँ। तो यहाँ पे देख सकते हैं 28/4/2021 को भी ये लेटर जारी हुआ था, जिसका संचिका संख्या मैंने आपको बताया वहाँ पे 2663। और इस लेटर में भी आपको विषय में दिया गया था पोषण अभियान अंतर्गत पोषण ट्रैकर एप्लीकेशन पर 100% लाभुकों को जोड़ने के संबंध में। तो इससे पहले भी एक लेटर जारी किया गया था कि आप लोगों को पोषण ट्रैकर एप्लीकेशन में अपना काम पूरा कर लेना है। तो अभी फिलहाल तो लग नहीं रहा है कि सभी सेविकाएं अभी अपना पूरा लाभार्थियों को ऐड कर चुकी हैं। तो देख सकते हैं यहाँ पे 30 अप्रैल तक का लास्ट डेट रखा गया था, जो कि उस डेट को बढ़ा के यहाँ पे 30 मई तक लास्ट डेट सुनिश्चित किया गया है कि 30 मई तक आपको ये सारा काम आप लोगों को पूरा कर लेना है। तो जितना जल्दी आप सभी लोग अपना पोषण ट्रैकर ऐप का काम पूरा कर लेंगे, उतना ही जल्दी अच्छा रहेगा। तो 30 मई 2021 तक कहीं रखा गया, तो आप लोग जल्दी से अपना जो भी लाभार्थी हैं, और मैं आपको बता दूं कि आपके परियोजना में 96 लाभार्थियों को जोड़ना है, गर्भवती महिलाएं, धात्री महिलाएं और बच्चों को मिला के 96 लाभार्थियों को आपको अपने पोषण ट्रैकर ऐप में जोड़ लेना है। तो आज का ये वीडियो कैसा लगा आप सभी को कमेंट करके ज़रूर बताएं, और पोषण ट्रैकर ऐप से रिलेटेड कोई भी आपके मन में क्वेश्चन हो तो नीचे कमेंट कर सकते हैं। और कितने सेविकाएं हैं जिन्होंने अपना पोषण ट्रैकर ऐप में 100% कंप्लीट कर लिया है अपना काम, तो वो नीचे सिर्फ 100% लिख के कमेंट कर सकती हैं, ताकि पता लगाया जा सके कि कितने सेविकाओं ने अपना काम पूरा कर लिया है। तो आज का ये वीडियो देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।